बेटा तो आज हम बात करेंगे जो है वो कुछ और कौन से बात करेंगे तो आज हम जो है एनसीआर से जुड़े हुए काफी सारी चीजों को यहां पर देखेंगे ठीक है तो आ, इस वक्त इस बार जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आ, मुंबई में जमकर रेनफॉल हो रहा है आप समझ लीजिए कि मुंबई में जो है ऐसा पानी मतलब मैं इतने सालों से यहां पर हूं और मैंने लगातार दो तीन दिन तक पानी गिरता नहीं देखा अभी ये तकरीबन जो है वो बीच में थोड़ा कल थोड़ी देर के लिए खुला था अदरवाइज जो है वो लगातार कंटिन्यूस रेनफॉल हो रहा है ठीक मैं कोशिश करता हूँ शायद आप देख पाए इसमें मैं आप कैमरे को रोटेट करता हूँ इसमें कि आप जो है वो शायद से आपको दिखे विंडो मेरी विंडो के बाहर ये देखिए ना आपको ये दिख रहा है मेरा बगीचा है दिखा ये विंडो देखिए विंडो के बार आप देख सकते हैं इसमें आपको जो है दिखाई पड़ रहा है काफी जो है अच्छा खासा रेनफॉल यहां पर मुंबई के अंदर ये आप देखिए पूरा स्टूडियो आपको देखना है मेरा स्टूडियो मैं एक बार फिर से आपको पूरा स्टूडियो अपना दिखा रहा हूं मेरा लिविंग रूम है जहां पर जो है मैं रिकॉर्डिंग पूरी करता हूं ठीक है मैं भी आऊंगा अभी इसमें ठीक है ये देखिए ये पूरा ठीक है ये पूरा पूरा मेरा लिविंग रूम है ठीक है तो पूरा का तो आपने मेरा पूरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो आप देख लिया है एक बार फिर से लॉन्च करते हैं तो बड़ा अच्छा सा मौसम हो रहा है मन पढ़ाने का नहीं कर रहा है लेकिन क्या करे काम दादा इसलिए पढ़ाना पड़ेगा है ना ठीक है चलिए तो एक काम करते हैं तो आगे बढ़ते हैं है ना ठीक है फिर तो बातों में लग जाएंगे तो मैंने क्या कहा तो देखो बेटा पिछली बार हम बात करते डिजेस के ऊपर तो मैंने आपको बताया था कई तरह की बीमारियां होती है जेनेटिक डिजीज भी होती है इनफेक्शन डिजीज भी होती है नॉन इनफेक्शन डिजीज भी होती है फिर हमने ये भी बात किया था हमने कि जो है वो बीमारियों में कई बार जो है वो पैरासाइट पैथोजन भी पैथोजन जो होते है हैं वो ऐसे रोग कारक होते हैं है बीमारियों को पैदा करते हैं पैरासाइट्स के बारे में बात किया था हमने एक्टो और एंडो के जो एनसीईआरटी में लिखा था वो हमने बेसिक चीजों को हमने समझा था हमने ठीक है देखिए डिजीज का मतलब क्या तो मैंने आपको बताया बेटा फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड के तो मैंने कहा बेटा जब आप डिजीज वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ हुआ इसका बेटा कि जब जो है बॉडी का एक ऑर्गन या एक से अधिक ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं एक बीमारी वाली कंडीशन है और मैंने पिछली क्लास में कहा था आपसे हर एक बीमारी का अपना एक साइन एंड सिम्टम होता है बीमारियां इन्फेक्शन या नॉन इन्फेक्शन हो सकती है ठीक है कैंसर सबसे बड़ा नौ, मेजर नॉन इन्फेक्शस डिजीज है जो सबसे अधिक लाइफ जिसमें जिससे खतरे में होती है सबसे अधिक लोगों की जान जाती है वो जाती है कैंसर से जो नॉन इनफेक्शस डिजीज जबकि एड्स जो होता है सबसे अधिक खतरनाक जो है वो इंफेक्शन चीज है एड्स की जिसमें की जो है वो कोई क्योर नहीं है। होने के बाद जो है वो डेथ तय है कोई क्योर नहीं है अब आप बोलोगे सर कोरोना वायरस खतरनाक है तो कोरोना वायरस में भी आप देखेंगे जो इन्फेक्टेड लोग हैं और जो रिकवर कर रहे और जो फेटिलिटी है वो परसेंटेज काफी कम है एचआईवी में हंड्रेड है ने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको एड्स हुआ हो और जो बच गया हो के देर सवेर उसकी जान जरूर जाएगी मतलब तो ये बीमारी 100 परसेंट क्लेम करती है ना जिसको एड्स हो गया मतलब वो वो व्यक्ति जो है है ये जरूर बात है कि कोई पांच साल जीवित रहेगा कोई दस साल कोई पंद्रह साल जीवित रहेगा पर ये जो है वो डिपेंड करता है उसकी अपनी फिजिकल कंडीशन पे जो ट्रीटमेंट थेरेपी चल रही है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है लेकिन इसका कोई क्योर वर्तमान में नहीं है ठीक है फिर कॉमन इन्फेक्शन डिजीज जो ह्यूम में होती है वो उनमें पैथोजन क्या क्या इन्वॉल्व है बेटा उसमें जो है बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं वायरसेस फंजाई प्रोटोजा हेलमिन मैंने बताया था एक प्रियोन्स के बारे में बात किया था हमने के ठीक है

तो पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है इट इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस मेडिकल साइंस की वो शाखा होती है जहां पर हम के वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ ए डिजीज ऑन एन ऑर्गन के एक ऑर्गन पर, पर जो बीमारी का प्रभाव पड़ता है जो हम ऐसा कहते हैं देखिए एक वर्ड होता है फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है नॉर्मल बॉडी फंक्शंस की हम स्टडी करते हैं के बीमारी के चलते नॉर्मल बॉडी फंक्शन जो है वो हो जाते हैं और वो कोई भी जिसमें बीमारी है वो नॉर्मल काम नहीं कर पाता है तो उसमें क्या सिम्टम है नॉर्मल फिजियोलॉजी से क्या परिवर्तन हुआ है क्या डेविएटेड फिजियोलॉजी उसकी हो गई है वो पैथोलॉजी में आता है तो पैथोलॉजी इज नथिंग पैथोलॉजी इज ए फिजियोलॉजी Disease, और एक organ जिसमें बीमारी हो हो गया है, जिसमें disease हो गया है, है, उस ऑर्गन की को को हम की study को हम कहते हैं। एक्चुअली में इट इज साइंस वेयर वी स्टडी ऑर्गन्स एंड बॉडी सिस्टम्स अफेक्टेड बाय डिजीज के ये वो विज्ञान है जिसमें की हम एक बीमारी से प्रभावित ऑर्गन की या ह्यूमन बॉडी की हम स्टडी करते हैं वो पैथोलॉजी में आता है और बीमारी

पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि एक बीमारी है ना एक बीमारी होने के बाद में वो किस प्रकार से ऑर्गन को अफेक्ट करती है किस प्रकार से ऑर्गन को अफेक्ट करती है उस दौरान ऑर्गन के अंदर क्या क्या परिवर्तन क्या क्या चेंजेस आपको देखने मिलते हैं उसकी स्टडी को हम क्या उस चीज को हम क्या होते हैं पैथोजेनेसिस के इट इज ए प्रोसीजर ये प्रोसेस होती है इसमें कि बीमारी कैसे बॉडी के अंदर डेवलप होती है इसको हम समझते हैं ठीक है कहने का मतलब ये कि पैथोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि पैथोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि एक बीमारी के डेवलप होने की स्टेजेस का अवस्थाओं का हम अध्ययन करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं ठीक है और जो जिस ऑर्गन में बीमारी हो गई है जिस ह्यूमन बॉडी में कोई बीमारी हो गई है उस बीमारी के तमाम ऑस्पेक्ट की स्टडी को हम पैथोलॉजी कहते हैं और का मतलब होता है बीमारी के कारण क्या है किन कारणों से बीमारी हुई उस चीज को कम क्या उसके को हम कहते हैं फिर एक वर्ड आता है इपीडेमियोलॉजी के तो इपिडेमियोलॉजी का मतलब है कोई बीमारी है जो इपिडेमिक है जो बड़े पैमाने पर है कुछ कुछ ही समय के अंदर देश के कई हिस्सों में फैल गई है वो इपिडेमिक होती है जैसे देखिए जो कोविड 19 है जो कोविड 19 है शुरुआत में ये चाइना के अंदर एक इपिडेमिक था क्या था केवल चाइना के अंदर था चाइना के अंदर हुवा, हुवाई प्रोविंस के अंदर बुहान सिटी है चाइना के हुवाई प्रोविंस में जो है बुहान सिटी है उस बुहान सिटी के अंदर ये बीमारी फैली तेजी से बुहान सिटी में फैल गई आसपास फैलने लगी तो ये जो बीमारी जो एक एरिया में शुरू होती है इरप्ट करती है और देश के एक देश के कई हिस्सों में तेजी से फैल जाती है उसे हम कहते हैं। When दिस डिजीज goes टू बियॉन्ड the बाउंड्रीज जब ये बॉर्डर बा, के बाहर निकल जाती है और दुनिया के कई सारे हिस्सों में एक साथ फैलने लगती है उसे हम पेंडेमिक कहते हैं क्लियर तो शुरुआत में कोविड नाइनटीन था और बड़े स्तर का जो दुनिया के कई सारे हिस्सों में लगभग कई सारे देशों के अंदर जो है वो फैल जाता है उसे हम पैंडेमिक कहते हैं क्या बोलते हैं बेटा उसको हम पैंडेमिक कहते हैं तो हर एक पैंडेमिक एक इपिडेमिक समझना हर एक पेंडेमिक एक इपिडेमिक है जो दुनिया के कई सारे देशों में फैल चुका है पर एवरी इज नॉट ए पेंडेमिक कोई बीमारी किसी एक जगह पर फैल फॉर एग्जाम्पल कि साउथ जो हम कहते हैं अफ्रीका में आर फ्यू कंट्रीज जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां कॉन्टिनें कुछ कंट्री जैसे कांगो की बात करें हैं के और आ, हम जो है वो वहां पर सुडान की बात करें वहां पर इबोला वायरस फैला तेजी से फैला पर वो अफ्रीका में सीमित रहा वो उसी हिस्से में सीमित रहा वो जो है एशिया या, या यूरोप बाकी जगह पर नहीं आया ठीक है कंटेन किया गया उसको वहां पर तो ये क्या था वो वहां के लिए इपिडेमिक ब्राजील में येलो फीवर का जो है वायरल डिजीज येलो फीवर तेजी से फैलता है तो वो वहां के लिए एपिडेमिक है लेकिन जब बीमारी जो है है वो एक से अधिक देशों में फैल जाती देन इट बिकम पैंडेमिक तो इपिडेमिक मतलब कोई भी बीमारी जो तेजी से इंसानों के बीच फैलती है उसके फैलने का कारण समझना कि किससे नंबर एक बीमारी किससे होती है ठीक है कैसे फैलती है कैसे अटैक करता है

एम ए गुड डॉक्टर कि मैं बहुत सारे मरीजों का इलाज कर पाता हूं बीमारी समझ पाता हूं और ईश्वर की दया से जो है आई ट्रीट ही ओनली के तो बाई द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड मेरे ऑलमोस्ट सारे पेशेंट बिल्कुल ठीक रहते हैं के ईश्वर की कृपा है मेरा मतलब मैं अपना योगदान कम मानता हूं उसमें ठीक है तो लेकिन मेरे से आप पूछेंगे तो मैं बोलता यार एमबीबीएस के बाद में जो है मैं चुकी मुझे यूपीएससी जाना था मैं दूसरे दूसरी चीजें मैंने सोच रखी थी पहले लेकिन मैं इतना कहता हूं कि जो है देर आर नाउ बहुत सारे फील्ड लगे अभी आप क्या कीजिए एमबीबीएस कीजिए बाहर की फॉरेन की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए किसके लिए मास्टर्स इन इपिडेमियोलॉजी के लिए इपिडेमियोलॉजी में जाकर आप जो है वहां पर जो है वो इपिडेमिक्स इपिडेमियोलॉजी में कोर्स कीजिए फिर आप रिसर्च में चले जाइए क्या पता एक दिन नोबल प्राइज मिल जाए क्या पता एक दिन पूरी दुनिया आपका नाम किताब में पढ़ रही हो भाई जो लीक से हटके काम करेगा ना वही नोबेल प्राइज लेके आएगा वही जो है वो किताबों में होगा जो नॉर्मल लीक नॉर्मल सिस्टम में ढर्रे पे काम कर रहा है तो वो अपना बढ़िया करेगा कमाएगा खाएगा बढ़िया घर बनाएगा बड़ी कार रखेगा सब कुछ बढ़िया करेगा लेकिन पुस्तकों में नाम चढ़ाने के लिए अलग राह पकड़नी पड़ती है ठीक है तो एपिडेमियोलॉजी इज अ वेरी वेरी हाईली इंग्रोसिंग कोर्स के अभी जो है बड़ी डिमांड है इस कोर्स की और आने वाले समय में भी एपिडेमियोलॉजिस्ट की बहुत डिमांड होगी चाइना के जो अपना अमेरिका के अंदर डॉक्टर फॉन्सी जो है वो इटालियन डॉक्टर हैं वो भी एपिडेमियोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं के अमेरिका में सबसे बड़ा डॉक्टर उनको माना जाता है ठीक है रॉबर्ट फॉन्सी क्या नाम है उनका मैं भूल रहा हूँ ठीक है वो ट्रंप के पीछे खड़े होकर कई बार हंसते रहते हैं उठ वो डॉक्टर है वो जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति भगवान जने क्या क्या बोल देते हैं एक दिन उन, उन्होंने सुना जैसे डिटॉल से वो ट्रंप के दिमाग में यही बात की जो सैनिटाइजर है डिटॉल इससे जो है वो वायरस मर जाता है बोलते हैं कि क्यों ना हम इसको इंजेक्ट कर लें तो डिटॉल कंपनी को वहां पे डिटॉल और जितने जितने सैनिटाइजर वाली कंपनी है सबको एड मारना पड़ा कि खा पी मत लेना भाई ये बॉडी के लिए खतरनाक होता है ये एक्सटर्नल यूज के लिए केवल है राष्ट्रपति तो मजे मजे में बोल दिए ऐसे ही। तो वो रॉबर्ट फोन सी पीछे पीछे, पीछे कई बार ट्रंप बोलते फिर होते, करके। अब कुछ बोल तो सकते नहीं उसको भाई वो अपने बोल रहा, बोल रहा, तो, तो, गुड ब्रांच के फिर बात करते हैं डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है एक बीमारी का निदान करना डायग्नोसिस बीमारी को पकड़ना जैसे हम लोग हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उससे कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं उससे अच्छा बोलता है साहब शुगर बढ़ गई या कोई तकलीफ है उसको तो उससे पूछते हैं क्या ऐसा पैरों में होता है क्या ऐसा लगता है आपको के बहुत सारी क्वेश्चन करते हैं उसके और उसके आधार पर हम एक निष्कर्ष निकालते हैं फिर उसकी जाँचें करवाते हैं फिर वो जांचों की रिपोर्ट आती है तब डिसाइड करते हैं कि इसको ये बीमारी है इसका ऐसे इलाज करना है इसको ये दवा देनी है तो डायग्नोसिस जैसे मैंने कहा ना आपसे कि आपको टाइफॉइड का पता लगाना है तो विडॉल टेस्ट करना पड़ेगा विडॉल टेस्ट कीजिए टाइफॉइड का पता लगा लीजिए आपके आपको जो है वो यदि ट्यूबर क्लोसिस का पता पता लगाना है आपको तो आपको टीवी पीसीआर करना पड़ेगा आपको या कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करना पड़ेगा आपको यूरिन का पता लगाना है तो यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट लगाना पड़ेगा आपको यूरिन रूटीन करना पड़ेगा यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी करना पड़ेगा आपको ब्लड में इंफेक्शन पता करना है आपको तो आपको सीबीसी करना पड़ेगा आपको ई करना पड़ेगा आपको ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराना पड़ेगा आपको ठीक है ब्रेन का इन्फेक्शन पता लगाना है तो सीएसएफ फ्लू को निकालने के बाद सीएसएफ की जांच करनी पड़ेगी ठीक है कैंसर का पता लगाना है तो एमआरआई करना पड़ेगा जहां पर लग रहा है आपको डाउट है वहां पर सॉफ्ट टिश्यू के लिए आपको एम करना पड़ेगा तो देर में भी लॉट्स ऑफ प्रोसीजर इन दिस तो वो उसकी मदद से आप क्या करते हैं परिणाम तक पहुंचते हैं एड्स का पता लगाना है आपको तो आपको एलाइसा टेस्ट करना पड़ेगा एंजाइम लिंकड इम्यूनो सॉर्वेंट ऐसे टेस्ट का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंकड इम्यूनो सॉर्वेंट ऐसे वो टेस्ट करना पड़ेगा ठीक है ठीक है ना तो हेपेटाइटिस का पता लगाना है तो भी टेस्ट करना पड़ेगा तो, टेस्ट के, तो उनकी मदद से दाग्ण। बात करें एक व्यक्ति के बॉडी में एक वायरस अंदर आया अब आने वायरस अंदर आने के बाद अपने आप को पहले एक लेवल तक ग्रो करेगा वो और फिर बॉडी पर अटैक करेगा वो तो वो पीरियड इंफेक्शन होने से मेरी बात सुनिए ध्यान अभी पेन रख दो अभी पेन रख दो जो बोल रहा हूं सुनो समझो सबके मतलब एक वायरस बॉडी में अंदर आया आने के बाद उसने कित, उसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया फिर बीमारी को पैदा किया मतलब देर इज ए टाइम गैप एक अंतराल होता है इन्फेक्शन से लेकर बीमारी के प्रकट होने के बीच में मतलब मैंने आपसे कहा कि टुडे इज है मैंने कहा डे जीरो

फिर बात करते हैं प्रोग्नोसिस की बात करते हैं सुनिए वर्ड ये सब मेडिकल टर्मोलॉजी के

ठीक है हाँ हम बोलते हैं इट्स अ फेयर एंड गुड प्रोग्नोसिस डिजीज क्या फिर मान लीजिए किसी को जो है वो हटिंगटन स्कोरिया डिजीज है समझते हैं हटिंगटन कोरिया है जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि जो कि न्यूरो जीन जो है व्यक्ति के अंदर होते हैं और वो क्या करता है वो बेसल बेसलियन जितने भी न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स होते हैं और को डैमेज करना शुरू करता है और 30 साल से 40 साल की उम्र में ये बीमारी अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करती है और व्यक्ति को जो है वो जब सब, सब कुछ नॉर्मल होता है सडनली वो भूलने लगता है चलने में दिक्कत होने लगती है हाथ पे हिलने लगते हैं तो ये बीमारी जो है हटिंगटन कोरिया इसका जो प्रोग्नोसिस देखेंगे तो आप पाएंगे कि पहली बार सिम्टम पैदा होने के पंद्रह साल के अंदर व्यक्ति की डेथ हो जाती है फर्स्ट टाइम सिम्टम कब हुआ वहां से पंद्रह साल जोड़ लीजिए दैट इज द ओनली लाइफ इन देशेंट ऑफ हर्टिंगटन कोरिया ठीक है मतलब ये पुअर प्रोग्नोसिस है कुछ भी करके आप लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के थोड़े बहुत तो उपाय कर सकते हैं परंतु इसके ऊपर यह है कि व्यक्ति जो है उसका प्रोग्नोसिस एकदम पुअर है आर डिजीजेस जहां पर कि जो है वो इलाज ही कुछ नहीं हो सकता है ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक के पास जादू है कि हर बीमारी का इलाज है नहीं एलोपैथिक में भी कई बीमारियां ऐसी जिनका इलाज कर ही नहीं सकते केवल सिम्टम्स को मैनेज करते हैं केवल सिम्टम जैसे आप बोलेंगे सर आप, आप क्या डायबिटीज का पूरा इलाज कर लेते हैं तो मैं अपने पेशेंट को पहली बात यह बोलता हूं मैं सबसे पहली बात मैं अपने पेशेंट को यह बोलता हूं आप मेरे कोई पेशेंट मिलेगा आप कभी पूछिएगा उससे मैं यही बोलता हूं उसको आई एम नॉट ए डॉक्टर वो गड़बड़ा था कि कहां आ गए साहब ये तो डॉक्टर नाम तो बाहर बोर्ड डॉक्टर का लगा हुआ है और ये तो खुद बोल रहे हैं कि आई आई एम एम नॉट डॉक्टर मैं बोलता हूं मैनेजर ठीक है एंड आई नीड गुड स्टाफ टू मैनेज द डिजीज अब पेशेंट की बात समझ में आती है अरे डॉक्टर साहब कुछ बताना चाह रहे हैं मतलब के थोड़े से मतलब क्या है स्टोरी टेलर टाइप के आदमी है हर बात में कहानी चिपका देते हैं बच्चे बड़े परेशान के अरे गीते सर ने क्या पढ़ा दिया समझ में ही नहीं आया एक्चुअली में वो कहानी में ही सब पढ़ चुके होते हैं जब क्वेश्चन देखते हैं अरे यार ये तो कहानी के अंदर था ठीक है तो कहानी 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 पूरा बायोलॉजी बहुत मजेदार कहानी है कि लगी गई नहीं कभी कि रटना पड़ेगा इसको तो मैं पेशेंट को बोलता हूं कि भाई देखो ऐसा है मैं मैनेजर हूं और मुझे बढ़िया स्टाफ चाहिए इस बीमारी को मैनेज करने के लिए और मेरे स्टाफ में कौन कौन शामिल है तुम शामिल हो तुम्हारी वाइफ शामिल है या तुम्हारा हस्बैंड शामिल है ठीक है और घर में और कौन है जो खाना वाना पकाता देखता है वो उसको शामिल कर लेते हैं ठीक है और मैंने ये भी बोला पेशेंट से कि देखो भाई ऐसा है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस यानी मैनेजर को रोज रोज में डिसीजन लेने पड़ते हैं कि अभी ये करो कल वो करो उठ के और मैनेजर को काम करवाना पड़ता है तो मैंने कहा देखो ऐसा तुम्हारी बीमारी भी, तुम्हारी है मैनेजर मैं हूं तुम भी मेरा स्टाफ हो अब मिलके काम करेंगे इसको अपन तो क्या करेंगे हम डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे इसको रोकेंगे इसको कि शुगर लेवल बढ़ना नहीं चाहिए कॉम्प्लिकेशन नहीं आना चाहिए ब्लड प्रेशर मैनेज रहना चाहिए किडनी पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए ठीक है नर्वस सिस्टम पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए, चाहिए तो हम लोग मिलकर मैनेज करेंगे ये मैं अपने पेशेंट को बोलता हूं ठीक है मैं बोलता हूं चलो ठीक है एक काम करते हैं पता लगाते हैं कि तुम तुम्हारा ऑफिस कितने बजे जाते हो क्या काम है ऑफिस में किस तरह का काम है ऑफिस में वो पेशेंट कई बार सोचता है कि डॉक्टर तो को ज्यादा खोद खोद के पूछ रहा है कि मेरा काम क्या ऑफिस में क्या खाते हो ऑफिस में कुछ बाहर का मजाक खाते हो पूरा बताता के, क्या रूटीन है कैसा के इवन देर आर लॉट्स ऑफ पर्सनल क्वेश्चन जो मैं पेशेंट से पूछता हूं अबाउट देर मैरिड लाइफ एंड ऑल दिस नोट डाउन करते हैं रजिस्टर में एक पेज में उसके बाद फिर प्लान हम एक मैप बनाते हैं प्लानिंग करते हैं ट्रेनिंग ट्रेनिंग की बीमारी ऐसी है इसको ऐसे कंट्रोल करना हटके

आप मेरे जज मत करना लेकिन मैं फीस लेता हूँ तो क्योंकि मेरे को मेरा घर भी तो चलाना है बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है ठीक है कार का पेट्रोल बहुत सारे खर्चे होते हैं यार क्लिनिक में सबका सैलरी देना है उनका किराया भर बहुत सारी चीज के और समय भी देना है पेशेंट को तो मैं बोलता हूं कि बजाय इसके कि मैं इस पैथोलॉजी लैब से कुछ मांग लू उससे कुछ मांग लू दवा कंपनी से कुछ मांग लू ठीक है मुझे नहीं मांगूं बाकी लोग करते हैं नहीं करते पर मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं मैं केवल और केवल अपने पेशेंट से बोलता हूं कि भैया तू मुझे मेरी मेहनत की फीस दे दे और उसके बदले में तू मुझे अपना मैनेजर बना ले बीमारी का और अपन मिलकर इलाज करते हैं इसका चले ना ठीक है आपके फोन कई बार मुझसे मिस होते हैं मैं नहीं उठा पाता पर मेरे पेशेंट का फोन मैं कभी मिस नहीं करता जो मेरा ऑथेंटिक क्लिनिक में आए हुए पेशेंट इनका रिकॉर्ड मेरे पास में है अब बोले सर मैं भी तो पेशेंट मैंने फोन लगाया था मेरी दादी के लिए तो ऐसे नहीं होता बेटा के वो पक्का जो होता है ना डॉक्टर्स के पास एक रिकॉर्ड होता है सब कुछ होता है तो जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड पेशेंट होते हैं दे कैन कॉल मी एट एनी टाइम ना चलिए तो बात मेरा कहने का मतलब था कि बीमारी जो होती है कई बीमारी से डायबिटीज है मेरे पास कोई इलाज नहीं है उसका कोई इलाज नहीं सच बता रहा हूं आपके आई एम गुड एट मैनेजमेंट ऑफ डिजीज बट आई कैन नॉट क्योर दिस कि मैं इसे क्योर नहीं कर सकता हूं ठीक है मैं पेशेंट को दे बोलता हूं कि तुम मुझे उम्मीद ला के आए हो ना कहीं से मेरे पास एक पेशेंट आई आई बिहार के कहां से है वो अपना आ, नाम भूल रहा हूं का पता नहीं बिहार की कौन सी दरभंगा दरभंगा से पेशेंट आई एक पेशेंट मेरे पास जो यूपी में कहीं से आई ठीक है बहुत रिक्वेस्ट किया अभी नहीं कोरोना पीरियड के पहले की बात है बहुत उम्मीद से कि डॉक्टर गीतन जो है वो अच्छा पड़ाते साथ बीमारी भी, भी वो ठीक कर देंगे मैंने देवन पे बोल दिया कि भाई ठीक तो मैं नहीं कर पाऊंगा मैं केवल मैनेज कर पाऊंगा अब मैनेजमेंट में भी तुम्हारा साथ चाहिए और अकेले में मैं अकेला भी मैनेज नहीं कर पाऊंगा ठीक है गोली तो केवल एक माध्यम है तुमको हमको मिलकर बीमारी को मैनेज करना है ठीक है तो प्रोग्नोसिस कई बीमारियों का जो है पुअर होता है कई बीमारियों का बेहतर होता है तो डायबिटीज भी ऐसी बीमारी इसमें जो है वो आप क्योर नहीं कर सकते आप ठीक है फिर रिकवरी की बात करते हैं मतलब बीमारी से पूरा ठीक होना नॉर्मल होना ये रिकवरी में आता है तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टर्म हमने देखे और जानकारी आपको दे रहा हूं ना ये बेटा हमेशा काम आएगी आपके फिर अब कुछ बड़े इंपॉर्टेंट माइल की बात करते हैं कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे पहले क्या घटा है कि जिसके जिसके हमने पूरा ह्यूमन हेल्थ को समझने में उनको हेल्प मिली सबसे महानतम वैज्ञानिक कोई रहे हैं वो है रॉबर्ट कोच फाउंडर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ठीक है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनको हम जो फादर और फाउंडर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं और इन्होंने कोच पोस्टुलेट को दिया इन्होंने क्या बताया इन्होंने बताया कि एक बीमारी का और एक पैथोजन का क्या कनेक्शन है कि एक बीमारी पे एक डिजीज का और एक डिजीज कॉजिंग पैथोजन का क्या कनेक्शन उसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया इन्होंने क्या किया एक एनिमल जिसको एंथ्रेक्स बीमारी थी एक एनिमल जिसको एंथ्रेक्स बीमारी थी इसको एंथ्रेक्स डिजीज थी ठीक है एक एनिमल जिसको एंथ्रेक्स नाम की बीमारी थी उसका इन्होंने ब्लड निकाला उसका ब्लड निकाला ठीक है ब्लड निकाला

लेबोरेटरी में कल्चर किया लैब में कल्चर किया इसको उन्होंने क्या किया इन्होंने जिस एनिमल को एंथ्रेक्स नाम की बीमारी थी उसका ब्लड निकाला ब्लड का स्टडी किया उनको एक बैक्टीरिया मिला बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में कल्चर किया देन इंजेक्टेड इट टू नॉर्मल हेल्दी एनिमल एक नॉर्मल हेल्दी एनिमल में इन्होंने इसको इंजेक्ट किया किसको बैक्टीरिया को आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड डिजीज सिम्टम सिमटर्स बीमारी के लक्षण दिखने लगे ठीक है एनिमल बीमार पड़ गया इसका ब्लड निकाला एनिमल का ब्लड निकाला और पाया इन्होंने ब्लड के अंदर सेम बैक्टीरिया वही बैक्टीरिया प्रेजेंट था जो उन्होंने इंजेक्ट किया था बड़ी मात्रा में के? तो इन्होंने क्या बताया रॉबर्ट कोच ने कहा कि देखो दोस्त तुम ये बोलते थे पहले तुम ये बोला करते थे पहले कि एंथ्रेक्स नाम की बीमारी हो गई हमारे जानवरों को तो कोई ऐसा भूत निकला होगा से जिसने जितनी भी गाय थी भैंस थी सबको उसने कहा कि ये रास्ते में आ गए मेरे तुम सब बीमार पड़ जाओ ठीक तो है बीमार पड़ गए तुम यही बोलते थे ना हम बता रहे हैं कैसे बीमार पड़ा हमने तो निकाल लिया बीमारी कारण इन्होंने सबसे पहली बीमारी सबसे पहली बीमारी जिससे का बारे में मालूम चला पहला बै बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया का नाम बेसिलस एंथ्रेसिस है तो दिखने में कैसा होगा अरे अरे क्या पूछा मैंने यदि बैक्टीरिया का नाम बेसिलस एंथ्रेसिस है तो दिखने में बैक्टीरिया कैसा होगा रॉड शेप होगा फेरिकल होगा हेलिकल होगा या कॉमरशेप होगा बताइए मैं नहीं बताऊंगा मैं नहीं बताने वाला ठीक है तो समझ गए बात आप आपने कहा कि जो वैक्टा को निकाला उन्होंने कल्चर क्या हेल्दी एनिमल में इंजेक्ट किया और सेम बीमारी हुई और सेम वैक्टा ब्ले, ब्लड में से मिल गया तो ऐसे स्टेब्लिश किया इन्होंने ट्यूबर का पता भी लगा लिया इन्होंने तो रॉबर्ट कोच ने शुरुआत कर दी इन्होंने इन्होंने बिगिनिंग कर दिया कि आप बीमा अब आप समझ गए और इसी आधार पर बाद में दिया गया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को बनाया लुइस ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ क्वेश्चन एग्जाम में आता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया बीमारियों के रोगाणु सिद्धांत को या जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को किसने दिया बेस्ट आंसर इज रॉबर्ट कोच एंड लुइस पाश्चर यदि ऑप्शन में एक साथ दे रखा है यदि ऑप्शन में एक साथ दे रखा है तो बेस्ट आंसर है रॉबर्ट कोच एंड लुइस पाश्चर अलग अलग दे रखा है ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच ऑप्शन बी लुइस पाश्चर देन आंसर इज लुइस पाश्चर और यदि लुइस पाश्चर ऑप्शन में है ही नहीं है तो आंसर इज रॉबर्ट कोच समझ गए ना बेस्ट आंसर रॉबर्ट कोच एंड लुइस पाश्चर बोथ टुगेदर सेकेंड बेस्ट आंसर लुइस पाश्चर थर्ड आंसर रॉबर्ट कोच किसके लिए आंसर कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया ठीक है तो कोच पॉस्टुलेट जो है उससे हमें मालूम चला कि एक एक बैक्टीरिया या एक पैथोजन का किस बीमारी से संबंध है लेकिन कोच पॉस्टुलेट एक बैक्टीरिया पर लागू नहीं होते वो बैक्टीरिया अब ये भी क्वेश्चन है एग्जाम का ये जितने पॉइंट आप देख रहे हो बेटा दे ऑल आर एग्जाम क्वेश्चन जिनको मैंने पॉइंट में कन्वर्ट किया है ठीक है ना जितने लोग शिकायत करते हैं ना कि सर अब कंटेंट पढ़ाना शुरू किया इतना लंबा बात कर दिया सर ने इतनी लंबी कहानी सुना दी सर ने तो भैया ऐसा है हमारा तो स्टाइल यही है हमारा तो यही स्टाइल है भाई ठीक है बर्दाश्त हो सके तो साथ रहो नहीं बर्दाश्त हो सकता है तो क्या कर सकते यार ठीक है तो लेकिन एवरी स्टोरी कम्स विद्क्लूजन एंड एवरी स्टोरी इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पर लागू नहीं होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है जब लैप्रोसी पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसके ऊपर ठीक है ना? याद रखना अभी एक क्वेश्चन का उत्तर याद कर लो बिटके बैक्ट्रा पर रॉबर्ट कोच पॉस्टुलेट लागू नहीं होते हैं को हम फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी कहते हैं रूडोल विक्रको को फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी कहते हैं हिप्पोक्रेट को हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं लुइस पास्र ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को दिया और लेकिन मैंने अभी आपको करेक्ट किया मैंने कहा बेस्ट आंसर इज दे रखा होगा तो रॉबर्ट कोच एंड लुइस पास गोट टूगेदर नहीं दे रखा है तो आंसर इज लुइस पास्टर पास्टर ऑप्शन में नहीं है आंसर इज रॉबर्ट कोच ठीक है ना क्लियर देन पैरासाइट की बात करते हैं हम पैथोजन की तो मैंने आपसे कहा शरीर के एक पैरासाइट वो होते हैं जो शरीर के बाहर होते हैं एक शरीर के अंदर होते हैं एक्टो मतलब बाहर एंडो मतलब अंदर के तो अब कुछ पैरासाइट ऑब्लिगेटरी नेचर के होते हैं ऑब्लिगेट का मतलब है दे ऑलवेज रिक्वायर ए लिविंग होस्ट दे ऑलवेज रिक्वायर ए लिविंग होस्ट के इनको हमेशा एक जीवित होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है ये कहलाते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट सेटिनिया सोलिया ट्राइकोमोनास दे आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट के कुछ होते हैं टेंपरेरी पैरासाइट के जो होस्ट के अलावा बाहर भी रह सकते हैं ठीक है तो वो टेंपरेरी कुछ समय के लिए हम कहते हैं कि दे आर टेंपरेरी वो बॉडी में अपना लाइफ साइकिल का एक हिस्सा पूरा करते हैं देखिए जो ऑब्लिगेट पैसा है वो अपने जीवन चक्र का एक हिस्सा और अपना लाइफ का बड़ा बड़ा हिस्सा जो है बॉडी के अंदर ही बाहर नहीं हमेशा परजीवन के लिए के, जबकि फैकल्टेटिव प्रसाइट क्या होते हैं ये नॉर्मली दे आर नॉट नॉर्मली दे आर नॉट ये सामानता पैरासाइट नहीं होते लेकिन वक्त पड़ता है बुरा वक्त होता तो बन जाते हैं फैकल्टेटिव वर्ड का मतलब याद रखना बेटा इसका मतलब होता है विकल्पी हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे फैकल्टेटिव का मतलब होता है विकल्पी और इंग्लिश वाले लिखेंगे ऑप्शनल फैकल्टी ऑप्शन मतलब फैकल्टेटिव पैरासाइट वर्ड को आप हिंदी कर दो विकल्पी परजीवी, मतलब विकल्प के तौर पर परजीवी बनाए इंग्लिश वर्ड ऑप्शनली पैरासाइट मतलब ये नॉर्मली पासाइट नहीं था पर ऑप्शन मिला इसलिए वो परासाइट बन गया तो जैसे कैंडिडा फंजाई ठीक है तो ये जो है वो परस, औ, औ, एक फैकल्टेटिव परासाइट है तो याद रखना कि हम डिटेल में भी जाएंगे में तो ऐसे परजीवी जो हमेशा इनको लिविंग होस्ट के बगैर जो नहीं रह सकते हैं, हैं जनरली और कभी कभी ये लिविंग होस्ट के बगैर भी पाए जाते हैं और ऐसे परजीवी जो नॉर्मली परजीवी पैरासाइट नहीं होते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर कभी बार कई बार अपॉर्चुनिटी मिलने पर देविकम पैरासाइट तो उनको बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट कहते हैं ठीक है अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट 2021 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अभी नया गाना गाना शुरू हो गया आजकल आजकल नया गाना शुरू हो गया नीट 2020 और भी पोस्टपोन हो गया अभी यूट्यूब चैनल देखिए अभी बिल्कुल शुरू कर दिया अभी उनको समझा की बात की सितंबर पास में आने वाला है अगस्त का महीना शुरू हो गया सितंबर पास में आने वाला है अब बच्चे आए टेंशन में उन्होंने कहा नवंबर में होगी दिसंबर में होगी कैंसिल होगी नहीं होगी होगी नहीं होगी 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 नहीं देखो अब रोज में थमने लाएगा रोज में यूट्यूब में एक ना एक चैनल में थमने लाएगा क्या आप जानते हैं नीट आगे बढ़ गया क्या आप जानते हैं मैंने पता लगाया सरकार के सोर्सेस से कि नीट नवंबर में होगा मैंने पता लगाया है कि नीट दिसंबर में होगा मैंने पता लगाया कि नीट होगा ही नहीं इस बार ट्वेल्थ के परसेंटेज पर Hello, Sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. <laughs> बड़ी बैठेगी एमबीबीएस की ठीक है सब अपनी अपनी मार्कशीट लेके पहुंच जाओ अभी ये आने वाला बस एक अभी ना सुनामी तो 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 सुनामी ऑफ इंफॉर्मेशन भर भर के सूचना ले लेके आएंगे बहुत चिंता करते हैं ये जितने यूट्यूबर हैं इतनी चिंता करते हैं ये कि एक बच्चा मिस नहीं होना चाहिए इनसे अभी देखना फिर एक दिन में एक लाख व्यू दो लाख व्यू तीन लाख व्यू, व्यू पढ़ाने वाले का को कोई व्यू नहीं के दोनों तीन तीन लाख व्यू रहेंगे क्या मैंने पता लगाया है मोदी जी बात कर रहे थे मैं कान लगा के खड़ा था प्रधानमंत्री का आवास के बाहर मैं दिल्ली में पढ़ता हूं भाई एम्स में रहता हूं मैंने कान लगा के पता किया कि मोदी जी कह रहे थे भाइयों बहनों मित्रों एग्जाम तो आगे बढ़ेगा और हम बढ़ा के मानेंगे तो मैं सुन लिया वो कुछ बोल रहे थे अमित शाह जिसे नवंबर दिसंबर में होगा फर्जी लोग तो कुछ भी बोल सकते ना भाई तो मतलब इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि आप लोग जो है जो है खुद भी ना डेविएट हो ना किसी को डेविट होने दें आप ठीक है तो मेरे को नीट लिखा तो मेरे को याद आ गया कि अरे ये भी एक बड़ा भारी मुद्दा है बहुत बड़ी बीमारी है तो अभी बात करते हैं चलिए अब कि 2021 नीट का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बिल्कुल मान के मैं आपसे कह रहा हूं कि दिस इज दी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन के ये एग्जाम में जरूर आएगा बिटट के याद रखिए इपिडेमिक एंडेमिक पैंडमिक क्वारंटाइन प्रोफाइल ये सारे वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट के देखिए तो एक ऐसी बीमारी एक ऐसी बीमारी जो केवल एक लिमिटेड है जैसे मान लो एक, एक ये जो है कोई एक कंट्री है उस कंट्री में एक लिमिटेड जगह पर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हमारे जैसे हम बात करें इंडिया की बात करें तो हमने कहा इंडिया में कोई एक ऐसा एरिया है बस्तर के है? बस्तर में बस्तर में कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर जो है वो मलेरिया बड़ी मात्रा बड़ी संख्या में देखने मिलता है एक्चुअली में है कि जहां पर जंगल होगा जहां पर मच्छर अधिक होंगे वहां पर मलेरिया बड़ा प्रिविलेंट होगा फिर कोई पहाड़ी एरिया है जहां पर जो है हमको ग्वाइटर घेंगा रोग बोलते हैं फूल जाती है है हमें के केसेस काफी अधिक देखने मिलते हैं ठीक तो हमने क्या कहा हमने कहा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक लिमिटेड एक हिस्से में लगातार पाई जाती हैं वहां बनी रहती हैं बीमारियां वो बाकी दूसरे हिस्सों में देखने नहीं मिलती उस हिस्से में आपको बड़ी संख्या में देखने मिलती हैं उन्हें हम एंडेमिक कहते हैं ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है एक एंडेमिक डिजीज है मलेरिया जहां पर मच्छर पनपेंगे मच्छर होंगे वहां पर रहेगा तो वो भी एक एंडेमिक डिजीज हो गया ठीक है कॉलरा जो है जहां पर फैला जहां पर जिस जगह पर फैला मान लो कोई सोर से इंफेक्टेड होता है तो वहां के लिए वो कुछ समय के लिए कॉलरा मैं बिकम इपिडेमिक बीमारी का स्प्रेड के अकॉर्डिंग आप च, उसका कैटेगरी चेंज कर सकते हैं पर मैंने आपसे कहा कि कोई टाइफॉइड है कहीं पे कहीं पे टाइफॉइड फैल रहा है मान लीजिए किसी हिस्से में तो हमने कहा कि वहां पर चूंकि सीवेज पोल्टेड वाटर यहां पे तो वो एक प्रकार से वो एंडेमिक हो गया हाँ पे फिर हमने क्या कहा हमने कहा कि कहीं पर पानी के अंदर फ्लोरिन की मात्रा अधिक है तो नौकनी सिंड्रोम बिहार में कई जगह पैसा है कि कई गाँव में नौकनी सिंड्रोम है घुटने टेढ़े मेढ़े आते हैं कमर झुक जाती है क्योंकि जो है वो पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है एंडेमिक जो एक एरिया में लिमिटेड है फिर हम कहते हैं इपिडेमिक मतलब बीमारी जो है वो एक एरिया में तेजी से फैलती है प्लेग एक इपिडेमिक है कोरोना वायरस का इंफेक्शन एक पेंडेमिक बन चुका अभी इट इज इनिशियट इज एपीडेम पेंडेमिक और इपिडेमिक का फर्क किस बात का एरिया अंडर कवरेज उसका फर्क है ठीक है तो हमने क्या कहा हमने कहा कि इपिडेमिक बीमारी वो होती है जो से एक एरिया में फैलती है जब इपिडेमिक ग्लोबल स्केल पे जो ग्लोबल इपिडेमिक होती है जब कोई इपिडेमिक ग्लोबल स्केल पर फैलती है बड़े पैमाने पर फैलती है तो उसे क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं पैंडेमिक कहते हैं उसे हम ठीक है फिर व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वारंटाइन क्वारंटाइन का मतलब अब हम सब अच्छे समझ चुके हैं कि क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है किसी व्यक्ति को जो है वो जो बीमार व्यक्ति है उसको अलग कर देना ठीक है बाकी देखिए अब कई लोगों को लगता है कि क्वारंटाइन करना गलत है कारण उसके पीछे ये है कि लोगों को लगता है कि क्वारंटाइन करना ठीक नहीं है परंतु एक बात सोचिए कि एक व्यक्ति के शरीर को एक व्यक्ति के शरीर को जो वायरस या बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको एक मशीन के समान इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उसके लिए बैक्टीरिया के लिए वायरस के लिए आपका शरीर एक मशीन के समान है एंड दे आर रिप्रोड्यूसिंग वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं संख्या बढ़ा रहे हैं और उनका पर्पज ये है कि इतना फैलो इतना फैलो सब तक फैल जाओ ये उसका पर्पज है तो उसने एक व्यक्ति के शरीर को मशीन के समान इस्तेमाल किया और अपना संख्या को बढ़ाया उसने और दूसरे को इन्फेक्ट किया दूसरे से चौथे का ऐसे करके वो बढ़ता चला गया यदि कोविड नाइनटीन का पहला पेशेंट या पहले कुछ पंद्रह पन, बीस पचास पेशेंट जो थे उनको क्वारंटाइन कर दिया गया होता उनको एक बड़े कमरे में बंद कर दिया गया होता और किसी को हम परमिशन नहीं देते उनको वहां पर इलाज करते तो क्या यह बीमारी पूरी दुनिया में फैलती नहीं फैलती तो क्वारंटाइन का मतलब होता है कि व्यक्ति के को बाकी दूसरे को इंफेक्शन ना फैल सके इसलिए व्यक्ति को अलग रखना वो क्वारंटाइन है इसी बात पर जो है मुझे जहां तक जाना था है मैं जब मैं पढ़ता हूं कभी देखिए मैं बिल्कुल खुले दिमाग का आदमी हूं मैं कभी भी है ना कोई भी चीज़ को मैं आंख बंद करके भक्तों के समान नहीं मानता हूं कोई भी के भक्त का मतलब गलत मतलब ना बैठक कोई भी मतलब मैं बिल्कुल रैशनली सोचता हूं रैशनल सोचने का मतलब यह है कि थॉट प्रोसेस जैसे मैंने मुझे लगता है कि मैंने जब इन, मैंने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा भारत का इतिहास पढ़ा यूपीएससी में तो मैंने पढ़ा कि शायद से दो प्लेग कमिश्नर सौंडरब्रदस् थे या क्या थे नाम बोल रहा हूँ नाम मैं गलत बोल सकता हूँ बेटा तो उसके लिए मुझे, मुझे माफ कर देना पर जानकारी मेरी जो है वो सही है कि प्लेग कमिश्नर थे एक समय एक समय प्लेग फैला शायद सूरत में कहीं पे कहीं की बात है मुंबई में जगह मुझे याद नहीं आ रही क्या ठीक तो प्लेग फैला कहीं पर जहां प्लेग फैला उस प्लेग को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने प्लेग कमिश्नर पद बनाया उन्होंने उन्होंने कहा भैया जहां प्लेग फैल रहा है जहां वहां जहां पर प्लेग के पेशेंट है उनको अलग करके शहर से दूर करो उनको तो शहर के बाहर प्लेग के लिए अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए अब यह बात अलग है कि अंग्रेजों ने उन क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था प्रॉपर नहीं की थी उन्होंने वो क्वारंटाइन सेंटर जो है जानवरों के बाड़े से अधिक कुछ नहीं थे वो बड़ी असुविधा थी उस क्वारंटाइन सेंटर में अंग्रेजों ने जो छोटा बच्चा है व्यक्ति है कोई जिसको है बीमारी पूरा परिवार उठा के उन्होंने वहां कर दिया उन्हें मालूम था

बात अलग है दे आर बिग फेलियर कि वो बेहतर अरेंजमेंट करते क्या हुआ जब जो है वहां पे शायद मुझे लगता है चापेकर बंधु तो कौन थे आप एक बार नाम कर, देख लीजिएगा गूगल में मिल जाएगा तो उन्होंने जो है उनको, उनको उनको जो है वो हमला करके उनको मार दिया प्लेग कमिश्नर को ऐसा किया वैसा किया बहुत कहानियां उसकी पर जो हमने एक बिल्कुल इन, निष्पक्ष इतिहास को पढ़ा हमने हमने जाना कि दे वॉट दे आर डूइंग दे आर डूइंग देयर ड्यूटी उनको बोला गया नगर निगम वाले को बोला कि भैया क्वारंटाइन कर दो घर के बाहर मत आना हमारी मालूम है हमारी जब कॉलोनी थी ना ये वाली जहां पे हम रहते हैं इस कॉलोनी के बाहर नगर एक पेशेंट हमारी कॉलोनी में कोविड पेशेंट मिल गया नगर निगम वाले आए हमारे कॉलोनी के बाहर उन्होंने जो जो है है वो मेन मेन गेट गेट होता को ऑफ किया वहां पे रेड लगाया एक बड़ा बैनर लगा दिया उसमें इस कॉलोनी के अंदर जाना मना है और अंदर से बाहर निकलना मना है ये एक कंटेनमेंट जोन है आपको पता है ना सब्जी आई घर में ना दूध आ पा रहा था घर के अंदर सब सप्लाई किसी को अंदर आना मना नहीं अंदर आना अलाउड नहीं अंदर का कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता है चार पाँच छह दिन आठ दिन रखा उसमें फिर उसके बाद जो है वो पेशेंट को शिफ्ट किया कहीं पे बाकी लोगों का जांच जा हुआ सब नॉर्मल आया तब तो जाके उन्होंने उसको दिन चौदह दिन हटा दिया लेकिन अब हम जाकर उनसे बोलते कि तुम क्यों कर रहे हो कैसे तो वो नहीं वो जो किए वो बिल्कुल सबकी भले कि बाहर ना फैल जाए बाहर से अंदर अंदर स्प्रेड ना हो जाए कि बहुत सारे तो कई बार क्या होता है कई बार हम जो है पुलिस वाले ने डंडा मार दिया भाई बाइक पे क्यों डंडा मार दिया बाइक पे क्योंकि तुम बाहर घूम रहे थे तुमने मास्क नहीं लगाया तुमने बहस की उससे कि हमारे घर में दादी बीमारे दवा लेने आए ये हो गया वो हो गया उसने कहा नहीं तुम बाहर क्यों निकले डंडा मार दिया उसने बाइक पर डंडा मार दिया आपको भी धमकाया उसने हमने कहा कि पुलिस बड़ी खराब होती है जबकि इंटेंशन उसका क्या था घर में रहना भाई बीमार पड़ जाएगा बाहर निकलेगा तो तो हमेशा कभी भी बेटा कोई चीज को जज करने की कोशिश मत किया कीजिए हमेशा जब भी कभी आपको किसी के बारे में सोचना हो तो दूसरे की तरफ जाके सोचिए उसके शू में

प्रोफाइलेक्सिस का मतलब क्या है कि बीमारी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम ऐसे क्या उपाय हैं जिससे हम बीमारी से बच सकते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं ऐसी कौन सी दवाएं हम खा लें कि इन्फेक्शन हमको ना हो दैट कम्स अंडर कम कैटेगरी ऑफ प्रोफाइलेक्स बीमारी से बचने के उपाय प्रिवेंटिव मेडिकेशन लोगों को को जो है वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खिलाया गया कि भाई कोरोना का इंफेक्शन थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी में ना हो है वैक्सीन होता तो वैक्सीन लगाते रोग कारक जो है वो बीमारी कैसे पैदा करता है के दिवेज, दिवेज, के, एने क्या तरीका है कि एक पैथोजन को पैदा करता है वो बॉडी के टिश्यू को डैमेज करता है जैसे मैंने कहा हेपेटाइटिस बीमारी में क्या होता है कि हेपेटाइटिस में क्या होता है जो हेपेटाइटिस वायरस है बी वायरस के ये क्या करता है ये लिवर की हिपेटोसाइट सेल ना लिवर की ये सेल पर अटैक करता है ठीक है और हिपेटोसाइट सेल पर अटैक करता है और हिपेटोसाइट सेल के अंदर जो लाइसोसोम होते हैं ध्यान से बात सुनिएगाट सेल के अंदर जो रेसिडुअल लाइसोसोम होते हैं ना उनका ई फेजी होने से रोक देता है मतलब वो अपने केमिकल को अपने ब्रेस्टिस को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। सेल के अंदर जो है कचरा इकट्ठा होने लगता है धीमे धीमे वो सेल डैमेज कर जाती है वायरस बोलता है कोई भी एनर्जी बर्बाद नहीं करेगा सारा एनर्जी मेरे मेरे मल्टीप्लीकेशन में लगेगा वायरस जैसी हिपोटोसाइट पर अटैक करता है बोलता है वो अब ये हिपेटोसाइट पर मैंने कब्जा कर लिया है कोई आदमी हिलेगा नहीं इधर उधर नहीं जाएगा कोई, कोई बोलता है, बोलता है। अब में, में तो कचरा बाहर फेंकने जा रहा था कहता है बोलता है बी के से कि मैं कचरा फे, बाहर फेंक के आता हूं बाहर कचरा नहीं तो मूव करोगे तो एटीपी खर्च करोगे तुम अरे तुम तुम्हारी जो थैली है वैसाइकिल को मूव करना पड़ेगा मेमब्रेन में फ्यूज करना पड़ेगा तुम्हारे केमिकल बाहर निकालने पड़ेंगे यू विल कंज्यूम एनर्जी और एनर्जी सारा माल हमको दे दो हमारे पास ला रख दो तो सारा माल क्योंकि okay, हम हैं वायरस हम करेंगे मल्टीप्लाई कोई हिलेगा नहीं इधर का उधर नहीं जाएगा वायरस ने बोला ये कौन है न्यूक्लियर डीएनए अच्छा हेपेटाइट के न्यूक्लियस का डीएनए बहुत सूचना है इसके पास में ये कोशिश कर रहा है कंट्रोल करने की हटा दो उसको रास्ते से रास्ते से हटा दिया उसको अब वायरस ने बोला या का बॉस कौन डॉन कौन मुंबई का वायरस ने कहा मैं हिपेटोसाइट मेरे कब्जे में है अब सब सुन लो गौर से राइबोसोम हिलना नहीं राइबोसोम देख रहे हो खड़े होके ठीक है बॉस क्या करने का हमने कहा ना तुम पहले किसकी बात मानते थे वो साहब अंदर वाला बॉस न्यूक्लियर डीएनए उसकी बात मानते थे अब राइबोसोम तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए माननी पड़ेगी वायरल डीएनए ने बोला कि लो हमने आर एन बना के तुमको दिया अब हमारे लिए प्रोटीन बनाओ हम पहनेंगे उसको हम नए नए वायरस बनाएंगे पूरी मशीनरी को वायरस ने कब्जा कर लिया मतलब एक लिविंग सेल के अंदर वायरस गया जाने के बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया उसने पूरी अपनी मल्टीप्लाई करके उसने उसने न्यूक्लियस के डीएनए को हटाया उसने रास्ते से उसने कि कोई बीच में इंटरफेयर ना करे हटा के अलग कर दिया उसको पूरी सेल पे कब्जा कर लिया और बोला अब सब काम हमारे अकॉर्डिंग होगा हमारे लिए पुटे बनेगा और लाइसोसोम तुम हिलना मत यहां से यहीं खड़े रहना जितने सब वहीं रुक गए कचरा सेल में इकट्ठा होने लगा जो जिसका काम था वाइल को प्रोड्यूस करना लिवर के लिए काम करना वो वो सारा रुक गया खत्म बात कहा नहीं खत्म लिवर काम ही नहीं कर पा रहा लीवर आपकी बॉडी के लिए काम ही नहीं कर रहा लिवर।, लिवर तो काम कर रहा है उस वायरस के लिए यह है बीमारी टिश्यू को डैमेज किया टॉक्सिक सिक्रेशन करते हैं कई बार कई सारे बैक्टीरिया होते प्रोटोजोआ होते हैं दे रिलीज टॉक्सिंस क्या जहर रिलीज करते हैं और वो टॉक्सिन जैसे आपको पता है जानकर आपको आश्चर्य होगा एक साधारण सा कफ खांसी जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से होती है, किससे एक ऐसा कफ जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता हो वो हार्ट के वॉल्व को खराब कर देता है किसको हार्ट के वॉल्व को खराब कर सकता है कैसे वो जो टॉक्सिन रिलीज करता है वो टॉक्सिन आपके गले में कफ भी करता है और सेम टाइप का प्रोटीन जो है वो रिएक्ट करता है आके हार्ट के वॉल्व पे जाके रिएक्ट करता है तो उसको भी खराब करता है और तो कई बार क्या होता है कई बार जो है वो टॉक्सिन जो होते हैं जहरीले पदार्थ वो काम तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं वो केमिकल्स को बना के बाहर छोड़ते हैं ने? वो बाहर लगातार केमिकल रिलीज कर रहे होते हैं और वो केमिकल्स एग्जो बाहर रिलीज कर दिया केमिकल वो एग्जो टॉक्सिन बन गया और कुछ बैक्टेरिया होते हैं जो खुद ही जहरीले होते हैं चारों तरफ जहर को लगा लिया उन्होंने ठीक है हमारे संपर्क में जाएगा ऐसे टच रहेंगे उससे जहर 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 फिर ऐसे टच रहेंगे तो वो है एंडोटॉक्सिन तो चलते फिरते जहर है चलते फिर एंडोटॉक्सिनटके तो आप सोचिए आप मतलब ये पूरी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है पूरी कहानी में बहुत सारी आपको एक्टिंग देखने मिलेगी आपको तो कहने का मतलब ये है कि पैथोजन रोग कारक बीमारी पैदा करते हैं उसके तरीके क्या है उसका तरीका है कि वो टिश्यू को डैमेज करते हैं टॉक्सिन को वो रिलीज करते हैं और ये टॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन या एंडोटॉक्सिन ये हो सकते हैं ठीक है अब आते हैं पहली बीमारी पे पर ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में डिजीज नंबर वन हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर की अच्छा टाइफाइड फीवर की बात करेंगे तो हम देखें कि आपने कभी गौर किया निश्चित तौर पे आपके परिवार में किसी ना किसी को ये ऐसी बड़ी कॉमन बीमारी फैमिली में किसी ना किसी मेंबर को टाइफाइड हुआ होगा कई बार खुद को भी हो सकता है हुआ हो छोटे हो बचपन में हो निमोनिया और टाइफाइड एक एक बार आदमी को जरूर हो चुका होता कभी ना कभी ठीक है तो टाइफाइड में क्या टाइफाइड की सबसे बड़ी समस्या है, क्या है खाना मूंग की दाल बगैर छुकी हुई इसमें छोक ना लगाओ नमक ना डालाओ। फीकी मूंग की दाल खानी पड़ती है छिलके वाली हरी मूंग की दाल लौकी उबली हुई लौकी खानी पड़ती है रोटी जो होती है रोटी का ऊपर जो ना पतला वाला हिस्सा सेकने के बाद रोटी का वो पतला पतला हिस्सा खाना पड़ता है बेस्वाद बगैर नमक का बगैर बगैर जो है वो त, आ, मिर्च मसाले का खाना खाना पड़ता है क्योंकि टाइफाइड बीमारी का सही नाम है एंट्रिक फीवर ठीक है ये इंटेस्टाइन आंतों में होने वाले इंटेस्टाइन में होने वाले छाले होते हैं इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन में ये इंटेस्टाइन में होने वाले छाले होते हैं आंत में होने वाले छाले होते हैं अल्सर होता है इंटेस्टाइन के अंदर छाले पड़ जाते हैं जाते हैं आते उसके कारण टॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है बुखार आने लगता है व्यक्ति को हाई टेम्परेचर और टाइफाइड का पता लगाने का तरीका है कि हाई हाई फीवर में में हाई फीवर है ना इसमें बीमारी में लगातार बना रहता है ठीक है साथ में भूख लगना कम आती है अब व्यक्ति का इंटेस्टाइन ही बीमार है लॉस ऑफ एपेटाइट भूख लगना कम हो गया बुखार अधिक रहने लगा खाने का स्वाद नहीं आता मेटलिक टेस्ट हो क्या मुका स्वाद ही नहीं आ रहा खाने का भूख भी नहीं लग रही है कमजोरी लग रही है बुखार लगातार बना हुआ है और एज डॉक्टर बताओ जीप बाहर निकलवा के देखिए पेशेंट का जयप दिखाओ जीप दिखाया व्हाइट कोटिंग जीप के ऊपर जीप के ऊपर आपको व्हाइट एक कोटिंग दिखाई पड़ेगी टिपिकल सिम्टम और पेट को उठा के देखिए तो छोटे छोटे से जो है वो जो है आपको एंजियो छोटे छुट छोटे से आपको कुछ है वो धब्बे-धब्बे दब, दिखाई पड़ेंगे जो ऐसा लगेगा कि ब्लड हल्का निकला दबे -दबे पड़ेंगे, कलर के. देख के जाएगा कि है ठीक है देखिए किससे होता है एक बेक्ट्रास होता है नाम क्या है के टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज और बेक्टा का नाम क्या है साल्मोनेला टाइफी ठीक है टाइफी इज ए पैथोजेनिक बैक्टीरिया जेस टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग ठीक है रोग कारक बैक्टीरिया होता है मनुष्य में टाइफॉइड बीमारी करता है दिस पैथोजन जनरली इंटर दी स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड के ये कैसे फैलता है ये कॉन्टोमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है ठीक है याद रखिएगा इसको ये संदूषित भोजन और जो है वो जल से फैलता है के मेरी वाइफ को भारती को एक बार जो है वो टाइफॉइड हो गया था बहुत सीवियर हो गया था कोता रोमट के ये बात है 2008 की बात है 2008 की बात है नहीं 2008 की बात नहीं है ये है 2007 की बात है बहुत गंभीर हो गया था एंड सी वोस इन आई सी यू उनको आई सी यू में रखना पड़ा था और आपको पता है कि उस समय उनकी छोटी सिस्टर जो पुलिस सर्विसेज में थी जो जो अभी इस समय वो एडिशनल एसपी हैं उनके हस्बैंड पुलिस में हैं मेरी रियल सिस्टर इन लाइ वो भारती की छोटी बहन है भारती उनका नाम है आरती उनकी शादी थी मैरिज थी उनकी ठीक है सोचिए बहन छोटी बहन वो इनसे एक एक सवा सवा साल डेढ़ साल ही छोटी होंगी के आरती सगी बहन की शादी है एक तरफ एक बड़े होटल में शादी चल रहा है दूसरी तरफ आईसीयू में भारती है नहीं अटेंड कर पाई अपनी बहन इतने शोक से ने आ, कपड़े खरीदे ठीक है सब हम तो तैयारियां किया सब कुछ किया बड़ा कि ये करेंगे शादी में डांस करेंगे ये करेंगे ये अरेंजमेंट करेंगे वो अरेंजमेंट करेंगे ठीक है सब कुछ किया लेकिन क्या करते बीमार पड़ गई अब आप बोलोगे सर मैडम को टाइफाइड कैसे हो गया मैडम को टाइफाइड ऐसे होगा कि मैडम उस समय जो है वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट पोस्टिंग में थी और वहां पर क्या था वहां पर जो है वो दिन के समय वहां पर जनरली जनरली उनका जो जो मीटिंग टाइम था कुछ पता नहीं क्या ट्रेनिंग चल रहा था इन लोगों का क्या ट्रेनिंग नहीं कुछ शायद कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट सर्च होता है इन लोगों का बहुत सारा काम था मैं एग्जैक्टली exactly समझता हूँ टेक्निकल काम इन लोगों के तो कुछ काम था तो इसलिए क्या करती थी अक्सर उनका, उनका उनका घर से ले जाया हुआ खाना ठंडा हो जाया करता था

खाना मैं अपना माइक्रोवेव में गर्म कर देता हूँ कुछ कुछ खाने की बाकी चीजें होती हैं जो जिनको फ्रिज में रखना है उसको फ्रिज में रखने फल वगैरह फ्रिज में रख देता हूं लेकिन भारतीय जो है चुकी वो थोड़ा सा सुन तो नहीं रहे कम ऑर्गेनाइज है ऑर्गेनाइजा ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है ठीक है मैंने कहा जोर से बोला पता चला कि दरवाजा फोड़ के बाहर है ना ठीक है कैसे बोला तो अभी घर में ही है पानी गिर रहा बहुत इसलिए मुंबई में तो वो तो उन्होंने क्या करती थी वो खाना ठंडा हो गया तो पास में कैंटीन था उनके उनकी उनके ही ऑफिस का उस कैंटीन से खाना बुलाया करती थी ठीक है कैंटीन तो टेंडर पे होते हैं कैंटीन सरकारी ऑफिस के, के खाना बढ़िया वो अक्सर डोसा मंगाती थी, थी वहां से इडली साउथ इंडियन का बड़ा शौक है भारतीय को मुझे राजस्थानी खाना बहुत अच्छा लगता है आज के आप में से कोई बच्चा अच्छा अच्छी रैंक पे आएगा सिलेक्ट होगा कभी मुझे बुलाएगा तो मैं जरूर राजस्थान आके विजिट करूंगा आपके यहाँ पे तो मैं आपके यहाँ पे दाल बाटी चूरमा और वो गट्टे की सब्ज़ी जो होती है ना वो खाऊंगा ठीक है मुझे आई बेसिकली पर्सन पर क्या होता मैं खा नहीं पाता बहुत सारा खाना अटके एक तो वजन बढ़ जाता है इस कारण से नहीं खा पाता दूसरा इसके अलावा मुझे गेहूं सूट भी नहीं करता इस कारण से मैं नहीं खाता हूं तीसरा क्या है वो हाइजीन को लेकर बहुत किचकिच भी करता हूं ठीक है तो चलो तो वो क्या करती कैंटीन से खाना बुलाया लिया करती तो उस, उस खाने में क्या आ गया टाइफॉइड का बैठा पता नहीं कोई वाटर सप्लाई में मिक्सिंग हुआ सीवेज का पाइपलाइन कहीं टूटा होगा वो नॉर्मल पाइप से, सप्लाई से वो जुड़ा होगा और वो खाना बनाने में क्या करता था वो आदमी पिलाने के लिए पानी वो फिल्टर का यूज करेगा खाना पकाने के लिए नल का पानी सीधा इस्तेमाल कर लेगा तो उस समय इनके ऑफिस में तकरीबन चौदह लोगों को फोर्टीन लोगों को टाइफॉइड हुआ चौदह लोगों को जो जो, जो उसकी कैंटीन से रेगुलर खाया करते थे उनको टाइफाइड हो गया कुछ लोअर स्टाफ था उसका जो सीनियर अफसर थे उसमें भारती थी इतनी गंभीर बीमार हो गई कि इनको है ना मतलब इधर भी इधर भी के कितने सारे बोतल लगे होंगे इनको इतना इंजेक्शन लगे होंगे इनको के भारती को और uh, मैं अस्पताल में अपना जाहिर सी बात है मैं और मेरी मम्मी अस्पताल में पूरे समय रहे साथ में ठीक है भोपाल के सबसे अच्छे डॉक्टर डॉक्टर एच एस त्रिवेदी बड़े अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर भोपाल के अंदर वो सब देख के गए और फाइनली फिर जो है कुछ दस बार आठ दस दिन रहने के बाद वो फिर वो रिकवर करना शुरू की एकदम गंभीर क्योंकि शुरुआत में इनको बुखार आया इन्होंने पैरासिटामॉल खा ली बुखार आया पैरासिटामॉल खुद डॉक्टर की बीवी है गोली गोदी खा लेती कई बार तो और मैं व्यस्त था मैंने देख नहीं पाया कि इनको क्या मैंने एक दिन बोला कि तुम्हारा चेहरा उतर रहा है ऐसा बीमार से लग रहा है कुछ नहीं थकान बहुत है काम बहुत है ऐसे करके बीमारी बढ़ती चली गई अंदर वो तो और मेरे एक ताऊजी के लड़के गांव में रहते थे वो बीमार पड़े उन्हें टाइफाइड हुआ इलाज समय पर नहीं मिला उनको टाइफाइड बिगड़ गया

शिवरिंग होने लगती है सिर दर्द होता है मांसपेशियों में दर्द होता है भूख लगना बंद रहती है कमजोरी लग रही होती है व्यक्ति इरिटेटेबल होता रहता है और हेलुसिनेशन मेरी बुआजी बताती है मेरे मैं आपको बताया ना देखो बेटा मैं आपसे रियल लाइफ क्योंकि तो डॉक्टर आदमी से पढ़ रहा हूँ चैप्टर तो आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा डॉक्टर को ठीक है ये मत बोलना मैं आपका वक्त खराब कर रहा हूं मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरी भुआजी छोटी भुआजी जो है मेरी वो उस समय जब वो मेरे ब्रदर जो है वो ताऊजी के लड़के जो बीमार पड़े वो तो टाइफाइड बिल्कुल वो शायद उनका बहुत बिगड़ चुका था और वो चूंकि क्या थे हम लोग तो पापा हमारे कहीं और पोस्टेड थे तो वो होता ना गाँव वाले थोड़ा सा थोड़ा सा बीमारी को लेकर थोड़ा सा ये खिला दो वो पिला दो हो जाएगा ठीक टाइप से ना पूजा पाठ भी करा दिया तो वो बताती थी कि जब उनकी डेथ हुई इसके एक आध दिन पहले वो बोलते थे ये फोटो में कोई हंस रहा है वो कोई खड़ा हुआ है वहाँ पे कोई मुझे वहाँ से बुला रहा है ठीक ऐसी बातें करने लगे थे वो कि देख छत में से कोई आया है देख सामने से कोई मुझे बुला रहा है देखो चार लोग मेरे से बात कर रहे हैं दिस ऑल इज हेलुसिनेशन ये सच में वो बताती हैं तो वो हालांकि वो अभी नहीं मानती मैं उनको बोलता हूँ एजे डॉक्टर की बुआ जी वो ऐसा था वो कहते नहीं उसके साथ तो कुछ हुआ था जादू टोना कुछ हुआ था ठीक है वो ऐसे ही मानती है तो हेलुसिनेशन होने लगते हैं इसमें इरिटेबिलिटी होने लगता है fever, लगातार अधिक बुखार्यूस बुखार का जो मलेरिया होगा ना मलेरिया तो मलेरिया में क्या होगा कि बुखार आएगा जाएगा आएगा जाएगा ठीक है अल्टरनेट डे में फीवर आएगा ठीक है यह मलेरिया का टाइफाइड थीक? होगा तो बुखार हाई लेवल पर बना रहेगा लगातार ये टाइफाइड का कर्व, फीवर का फीवर में है। पेट में दर्द होता है पेट में दर्द होता है अब चूंकि इंटेस्टाइन में छाले पड़ चुके मेरी बात सुनना ध्यान से इंटेस्टाइन में छाले पड़ चुके होते हैं तो इंटेस्टाइन को जैसी इंटेस्टाइन में

हेडेक टॉक्स रिलीज करता है हेडेक होता है, हो है उस सेट के भूख लगना बनाती है क्योंकि भूख इसलिए क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर ऑलरेडी जो फूड है वो मूव ही नहीं कर पा रहा है और वो मूव नहीं कर पा रहा है तो बॉडी ने जो है इंटेस्टाइन का मूवमेंट रोकने के लिए भूख को भी कम कर दिया उसने ठीक है ये कॉमन सिम्टम होते हैं और सबसे खतरनाक यदि बीमारी को समय पर ठीक नहीं किया गया मैंने अपने लाइफ में अपने मैंने अपने अब तक के मेडिकल करियर में कम से कम एक हजार से ऊपर टाइफाइड के पेशेंट को ट्रीट किया मैंने एक हजार से ऊपर और उन एक हजार में से 800 से ऊपर पेशेंट को मैंने मेडिसिन देके घर पर ट्रीट किया मैंने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करके मैं एक बुरा डॉक्टर इस मामले में हूं बता रहा हूं मैं एक बुरा डॉक्टर इस मामले में हूं कि मैं मेरे पास पेशेंट आता है मैं पहले उसकी कई सारी जांचें कराता हूं अब पेशेंट को लगता है डॉक्टर साहब लालच कर रहे होंगे डॉक्टर साहब ने इतनी सारी जांचें क्यों लिखी डॉक्टर साहब जांच कराने के बाद जांच का कमीशन लेंगे डॉक्टर साहब ये करेंगे डॉक्टर साहब ने जांच को।, को क्या समझ में नहीं आता है इतनी जांच लिखी हैं अरे भैया डॉक्टर साहब कोई स्कैनर थोड़ी ना है झांक के अंदर देख लेंगे तुम्हारे डॉक्टर हूं तो प्रमाण चाहिए कि बीमारी को ठीक करने के लिए मैं तुमको हिट एंड ट्राई कि आज तुम ये खा लो कल तुम वो खा लो परसों जांच कराओ तो भैया तब तक बीमारी बिगड़ जाएगी अब तुम मुझे बुरा बोल लो बुरा बोलो मैं एक बात जरूर बोलता हूँ अपने पेशेंट को भरोसा जीतने के लिए बोलता हूँ हमेशा बोलता हूं देखो बेटा पेशेंट को बेटा नहीं बोलता उसको बोलता हूं देखो भैया ऐसा है कि मैं तुमको जांचे लिख दिया हूं तुमको जो लेबोरेटरी पसंद हो जिसको तुम जानते हो जो तुम्हें डिस्काउंट दे दे वहां जाके तुम जांच करा लो है ना पर लेबोरेटरी ठीक होना चाहिए आ, ऐसा नहीं कि सड़क पे कहीं करा लिया आपने रिपोर्टिंग है उसका ठीक है अच्छी लेबोरेटरी में जहां पे तुम अबसे डिस्काउंट मांग लेना है ना ठीक है और बोल भी देना उसको कि भैया डॉक्टर साहब कमीशन नहीं लेते हैं साफ साफ बोले हैं हमको तो तुम हमको डिस्काउंट कर दो साफ बोलता हूं मैं खुला बोलता हूं एकदम मैं और किसी को ऐसे आदमी को अपने क्लिनिक पर घुसने भी देता मैं जो इसी बात करने आता है मुझसे ठीक है चाहे दो रोटी तीन रोटी खाते हैं यार वो भी गेहूं की नहीं खाते हैं रागी की बाजरा की खाते हैं ठीक है वो भी हल्का सा घी लगा खाते हैं दाल खाते हैं अब उसके लिए क्या हम अपने ईमान बेच देंगे नहीं चाहिए हमको के हमारे पास जो है वो ईश्वर की दया से सफिशेंट है तो ऐसे छोटे मोटे लालच में नहीं आते और बड़े लालच में भी नहीं, नहीं आते भाई बड़े लालच का किस्सा कभी बताऊंगा आपको मैं तो ठीक है तो आई रिफ्यूज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन मुंबई दे वॉन्ट मी टू टेक एज अ डायबोलॉजिस्ट बट दे हैव सम सर्टेन समीशन कि यू हैव टू एडमिट दिस नंबर ऑफ पेशेंट मैंने कहा भैया ये तो नहीं कर सकते काम हम ठीक है ये तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे हम तुम हो गए बिजनेसमैन हम नहीं कर सकते काम कि हम डॉक्टर हैं हम तो इलाज करना जानते हैं अपने हिस्से की अपने हक की फीस ले लेंगे हम थोड़ी ज्यादा लगेगी तो हम कंसेशन कर देंगे उसको गरीब लगेगा तो हम फीस भी नहीं लेंगे उससे हम पर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसका इलाज ना करें हम ये तो हो ही नहीं सकता बॉस जिस दिन ऐसा करना पड़ेगा डिग्री को आग लगा देंगे बाहर ले जाके ठीक है लेकिन ये काम कभी नहीं करेंगे ठीक है तो बात इतनी सी है और कोई डॉक्टर नहीं करता बेटा बता रहा हूं मैं आपको के ये जो गलत फहमी है लोगों की लगता है के हर डॉक्टर ईमानदारी से काम करना चाहता है हर डॉक्टर चाहता है कि वो जमीर को जिंदा रख के काम करे क्योंकि तभी आपके हाथ में वो शफा होगा ना ईश्वर ऊपर वाला सब देखता है जिसको छू दे देना वो ठीक हो जाए आदमी ऐसा सफा मैंने देखा है ऐसे डॉक्टर को भी वो छू भर दे आपको तो आपको, आपको आपकी अधिक बीमारी ठीक लगने लगती है आपको ईश्वर का होता है वरदान कुछ आप नहीं डिफाइन में नहीं कर पाऊंगा तो इतनी सी बात है कि यदि बीमारी को समय पर नहीं पकड़ा गया तो मैंने आपको बताया था कि 800 सही मैंने कल्चर कराया ब्लड का ओरल दिया उनको मैंने न जरूरत पड़ने में कई बार इंजेक्टेबल भी देना पड़ा लेकिन कुछ केसेस में जो है वो हॉस्पिटल लेकिन बाई द ग्रेस ऑफ गॉड एक भी कैजुअलिटी टाइफॉइड के पेशेंट की नहीं हुई मेरे ऑब्जर्वेशन बैठ के अब यहां पर यदि प्रॉपरली ट्रीट ना करें बीमारी को मिस डायग्नोस कर दिया बीमारी को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया पेशेंट ने दवा खाई या नहीं खाई उसका ध्यान नहीं रखा आपने तो प्रॉब्लम क्या होगा तब होगा इंटेस्टाइन में छाला है छाले में छेद आएगा एंड डेथ में ऑकर इन सीवियर केसेस के गंभीर केसेस में मृत्यु हो जाएगी डेथ होगी और टाइफाइड को कंफर्म करने का तरीका होता है विडॉल टेस्ट के विडॉल टेस्ट करते हैं और विडॉल टेस्ट से पता लगा विडॉल टेस्ट एक तरह का डाइल्यूशन टेस्ट होता है एक से जो जो है है इसमें हम वो अब टेस्ट के डिटेल में नहीं जाऊंगा पर आपको कि हम विडॉल टेस्ट करते हैं और इस टेस्ट से हमको टाइफाइड का बैक्टीरिया ब्लड में है या नहीं हमको मालूम चल जाता है ठीक है आजकल हम लोग जो लो है वो टाइफाइड का एंटीजन टेस्ट भी करते हैं हम आजकल जो है वो टाइफाइड का एंटीजन टेस्ट भी करने लगे हैं आजकल हम जो ज्यादा एक्यूरेट होता है ठीक है एक क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलन निक नैम टाइफॉइड मैरी इज वर्थ मैं अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है के एक लेडी है लेडी थी क्या न्यूयॉर्क के अंदर के के मैरी मेलन के टा, उनको टाइफ उनका नाम था मैरी मेलन उनका नाम था मैरी मेलन उनको टाइफॉइड मैरी कहते थे ये कैरियर थी ये क्या थी ये कैरियर थी मतलब ये एक कुक बाय प्रोफेशन ये खाना पकाने वाली थी कुक एट थी के और जहां जहां भी गई है उन्होंने पे बीमारी को फैलाया और इस बीमारी के चलते उनके कारण उनके कारण जो है वो कई लोगों की बड़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई और इसलिए इनको जेल में रखा गया इनको बाद में क्वारंटाइन करके अलग रखा गया इनको, इनको के जरूर देखिएगा डोंट मिस दिस मूवी के ये जो मैं आपको एक मैंने एक जो है वो मूवी बनाया हुआ बायोमेंटस चैनल बायो है, है यूट्यूब के अंदर जो NCRT पर बेस्ट मूवीज को क्रिएट करता है एंड मस्ट वॉच दिस चैनल एंड देखिए और अपना ओपिनियन दीजिए अभी हम मैं बहुत व्यस्त हूं अभी मेरा जो है ट्वेंटी ट्वेंटी वाला बैच होता है ठीक है इसका आपका बैच होता है अभी मेडिकल प्रैक्टिस पूरी अभी क्या होता है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन में ज्यादा टाइम खराब होता है आपका तो अभी हम लोग इस पर नहीं और हमारा स्टाफ छुट्टी पर घर से काम कर रहा है तो बहुत सारे रिसोर्सेज जो हम इस्तेमाल करते थे एम के वो सब भी हम ठीक से इफिशियंटली काम नहीं अरे हम सब लोग जो है अभी साठ सत्तर परसेंट इफिशेंसी पे काम कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ तो आप देखते रहे क्या कंडीशन दुनिया भर में इनके तो हम लोग जो है वो ऐसी मूवीज बनाया करते हैं इनके तो उसमें कई मूवीज होते हैं चार्ल्स डार्विन के ऊपर मूवी है एंटोनी वॉन एंटोनीक के ऊपर मूवी है ग्रेगर जॉन मेंडल के ऊपर मूवी है उसमें आप बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म जरूर देखेगा सब्सक्राइब चैनल को करना है नहीं करना है ये आपकी मर्जी है ठीक है लेकिन देखिएगा जरूर जाके ये मूवी मेरे कहने पे ये चैप्टर को हम अगली क्लास में हम टाइफ के ऊपर ही बात करेंगे बट फर्स्ट यू वॉच दिस मूवी एंड गिव मी दियर ओपिनियन कि हाउ के okay? और इस मूवी के अंदर जो वॉइस ओवर दिया है वो भारती ने दिया है ठीक है बुरी भी लगे ना मूवी तो वॉइस ओवर को अच्छा बोल देना भैया है ना ताकि ना मैं दिखा दो कि देखो इतने बच्चे तुम्हारे फैन हैं तो हो सकता है

जल्दी करेंगे हम चिंता मत कीजिए मैं बहुत लंबा नहीं लूंगा इसको जल्दी से लिए हम फिनिश करेंगे चैप्टर को हम के आगे बढ़ेंगे स्पीड से हम के लेकिन अभी जो उसकी इनिशियल रिक्वायरमेंट थी वो हमारी पूरी हो गई अब हम हम बिल्कुल एनसेटिक अकॉर्डिंग बेटा हम आगे बढ़ेंगे इसमें एज सुन एज पॉसिबल चैप्टर को पूरा करेंगे लेकिन ये चैप्टर में दो तीन बड़े बड़े हिस्से हैं एक तो डिजीज है इसके अंदर दूसरा इसके आंसर अंदर जो है इम्यून सिस्टम इसके अंदर पूरा है या इम्यून सिस्टम जो अलग से फिजियोलॉजी का हिस्सा वो भी इसके अंदर है और इसमें जो है एडिक्शन वाला हिस्सा भी इसके अंदर तो चैप्टर बड़ा है आप उठा के देखेंगे चैप्टर बड़ा है और चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप नीट के पिछले पांच साल के आप ऑल इंडिया पीएमटी के नीट के ऊपर उठा के देखिए आपको समझ में आएगा दिस इज वन ऑफ दी वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ठीक है ना और इस बार हमको एक हाथ क्लास किसकी ओर लेनी पड़ेगी कोरोना के ऊपर लेनी पड़ेगी ठीक तो है ना बेटा तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में तब तक क्या देखने का है ना ऑल द बेस्ट Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a Mentors Online app from Google Play Store.